बहुत अच्छी, आई थिंक सबको देखनी चाहिए एंड इट्स ब्लोन माई माइंड. मैंने बहुत अरसों बाद इतनी अच्छी फिल्म देखी है. इट वॉज जस्ट अमेजिंग. बहुत ज़्यादा आई थिंक एज एन फर्स्टली एज एन एक्टर एंड सेकेंडली एज समबडी हु लव सिनेमा, मैं कभी ये नहीं सोचती कि कौन सी भाषा में है. इफ़ आई नो एंड इफ आई रेड अबाउट द फिल्म एंड इवन इफ आई डोंट नो, आई एम ऑलवेज ओपन टू एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड सिनेमा. आफ्टर ऑल यू नो, जब आप कहानी बताते हैं, अगर अच्छी तरह बताएंगे तो चाहे कोई भी भाषा हो, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. एंड ओबजा इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन इन अ रियली लॉन्ग टाइम. बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये फिल्म कान गई थी इस बार, कॉम्पिटिशन में थी और इट्स वेरी डिफरेंट sort of fantastical subject and I love fantastical films, I love fantasy and also it has some of my most favorite actors, Tilda Swinton and Jake Gyllenhaal. So main bahut excited hu dekhne ke liye kya hai aur bahut hi mazedar hone wala hai mujhe lagta hai. Bahar ki wahi Tilda Swinton isme hai, bahut kamal ki bahut avant-garde sort of actress hai, bahut different kaam karti hai. हाँ, मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मतलब नॉट प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुझे बहुत प्यारी लगती है नैटली पोर्टमैन एक्चुअली. आई लव नैटली पोर्टमैन. बहुत बढ़िया फिल्म है और एक ऐसी फिल्म है जो ख़त्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, एक रीवैल्यूएशन आपके दिमाग में आती है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल की चॉइसेस के बारे में कि किस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या हमारी चॉइसेस हैं. ये तो रहा थीम के बारे में, बट फिल्म इट्सेल्फ बहुत अच्छी फिल्म है. एक यूनिवर्सल अपील है फिल्म की, हालांकि टुवर्ड्स द एंड काफ़ी डार्क हो जाती है फिल्म, बट एक छोटी लड़की और एक एनिमल की कहानी है, तो इट हैज़ यूनिवर्सल अपील अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप. तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मामी कि उन्होंने ये फिल्म बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका हमें दिया, बिकॉज नॉर्मली बड़ी स्क्रीन पे ऐसी फिल्में देखने नहीं मिलती.